फैसला कर वहाँ पे ये शुरू हुआ। इसीलिए हमने अपने लेवल के ऊपर ये फैसला किया। वो इतने गरीब लोग थे, मेरे हिसाब से उनके लिए दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने देखे होंगे ये गरीब आदमी उसकी बच्ची की शादी रमजान के फौरन बाद है, वो आदमी रो रहा है कि मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी करूँगा। ऐसे ऐसे कितने केसेस हैं जिनके लिए समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतना स्टॉक लेकर आए थे हम रमजान के लिए, हर रमजान हमारा इतना अच्छे से गुजर रहा है। वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों के ऊपर वो अपना कारोबार करके अपना परिवार पालते हैं। हमने अपने पार्टी के लेवल के ऊपर से फैसला किया है, जिन जिन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, जिन जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, ये पूरी दुकानें दोबारा खड़े करने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। हम खड़े करके लेंगे, चाहे उसके लिए कितना पैसा क्यों नहीं लगना पड़े, हम हमारे लेवल के ऊपर ये पैसा खर्चा करेंगे, हम हमारे लेवल के ऊपर ये पैसा खड़ा करेंगे। जितने भी गरीब हैं वो हमारे पास अप्रोच हो अपनी कंप्लेंट के साथ, अगर वहाँ का पंचनामा हुआ है तो पंचनामे के साथ हमारे पास अप्रोच है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर दोबारा वो दुकानों को हम वैसे ही खड़े करेंगे। हमारे पास ये हुआ है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा स्टॉक है, तो हमने ये फैसला किया है कि इमीडिएटली हम लोग वो दुकानों को हम तैयार करके उनके हवाले करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी अगर हम लोगों से मुमकिन अगर हो सकता है तो अगर उनका जो स्टॉक जला है उसमें से कुछ हिस्से अगर स्टॉक के लिए भी अगर हम मदद कर सकते हैं, हम इसका वादा नहीं कर रहे, दुकानें खड़े करने की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारे से मुमकिन हुआ और हमको ऐसा लगता है ये मुमकिन इसलिए होगा मेरे भाई कि आज सिर्फ हिंदुस्तान भर से नहीं दुनिया भर से कितने ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर जो फेसबुक के ऊपर और जो हमको कॉल करके ये बोल रहे हैं कि भाई जो हम लोग फुटेज देख रहे हैं उसके अंदर देख कर बड़ा ख़राब लग रहा है, हम हमारी तरफ से कुछ मदद कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है कनाडा के अंदर विपुल नाम का, वो अहमदाबाद के एंट्रेंस से पढ़ा हुआ है, वो कनाडा के अंदर रहता है। उसने कहा कि मैं घर में जब बैठा हुआ था तो मैंने वो फुटेज देखा और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए थे और सबने हमने ये तय किए कि यार अपने उससे अगर कुछ हो सकता है तो अपन उसकी मदद करेंगे। और औरंगाबाद के जो गरीब दुकान वालों का जो नुकसान हुआ है, मेरे भाई मतलब शर्म आनी चाहिए औरंगाबाद के उन लोगों को जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। उन्होंने ये समझे कि हम 10-20 दुकानें जला देंगे, दो नौजवानों की जाने ले लेंगे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी, उनकी भाईचारगी खत्म हो जाएगी। ये कोशिशें इससे पहले भी होती रही, हम यकीन